पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम के 3 ताकतवर इकसाम के हवाले से हम आपको बताते हैं, जिनमें बैटल फील्ड बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। इन मिसाइल की डिटेल्स के हवाले से आपको बताते हैं, बैटल फील्ड बैलिस्टिक मिसाइल में हमारे पास हदफ और नसर आते हैं। हदफ और नसर के हवाले से हम आपको बताते हैं, मिसाइल की रेंज 60 से 100 किलोमीटर है। नसर की खासियत ये है कि ये मल्टीट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बारी आती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें हमारे पास गजनबी, अब्दाली, शाहीन और गौरी भारत के लिए खौफ और वहशत की अलामत है। ये मिसाइल 200 से 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। जैसा कि पाकिस्तान का मुल्क मिसाइल भारतीय शहर अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के बआसानी पर खच्चे उड़ा सकता है। आधा भारत रहे तैयार, क्योंकि हमारा गौरी 2 दिफाए वतन के लिए है हर वक्त तैयार। जी हाँ, 750 किलोग्राम भारी न्यूक्लियर बॉम्ब और 1800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला ये गौरी 2 आधे भारत को पलक झपकते दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। अब बारी आती है हमारे जबरदस्त मिसाइल शाहीन 2 की। 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाला ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर चलता है। आखिर में अपने प्यारे वतन की हिफाजत के लिए और दुश्मन की नींदें हैरान करके रखने वाला ये आलीशान मिसाइल शाहीन 3 अपने नाम की तरह आलीशान ये मिसाइल जो 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है, जिसकी तबाही रफ्तार और जदीद खूबियों से भारत की कोई रियासत, कोई शहर, कोई गंगा, कोई जमुना कुछ भी इसके निशाने से बाहर नहीं है। पाकिस्तानी JF खंडर 17 घंटे में फजा में अपने मिशन को पूरा करने की सलाहियत रखता है। ऑपरेशनल रेंज 1350 किलोमीटर, यानी कराची से आगरा, मुंबई और चेन्नई तक लोडेड वजन के साथ अपना मिशन मुकम्मल करके वापस लौट सकता है। 3500 किलोमीटर तक रुके बगैर कराची से मिस्र और शाम तक पहुंच सकता है। पाकिस्तानी टैंक्स की बात करेंगे, जिनमें अल खालिद टैंक में 1200 हॉर्स पावर का जदीद इंजन है, जो रोड मशीन गन्स और 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर तोप के साथ 200 से 2000 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। हमारे जवान समंदर की गहराइयों से भी मुल्क दुश्मन अनासिर को फना करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी हाँ, फ्रांसीसी साख्ता और पाकिस्तान के जेरे इस्तेमाल अगुस्ता आबरूस 350 मीटर समंदर की सतह के नीचे ऑपरेशन कर सकती है। 20 नॉट्स की रफ्तार और 50 दिन तक जेरे समंदर रह सकती है। इन सब जदीद हथियारों से लैस पाकिस्तान की बरी, बहरी और फजाई अफवाज के हौसले बुलंद है और किसी भी वक्त दुश्मन का मुकाबला करने और वक्त से पहले उनको निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखती है। सलाम है 6 सितंबर 1965 के उन जवानों को जिन्होंने अपने फराइज से आंखें ना चुराएं। सलाम उन शहीदों को जिन्होंने अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेटकर शहादत का रुतबा पाया। सलाम उन शहदा की माँ पर जो फख्र से कहती हैं, ये शहीद हमारे बेटे हैं। Subscribing, liking Game Changer channel. Thank you.